बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर मोहम्मद रफी को आज भी उनकी मधुर आवाज के लिए याद किया जाता है। उनके गाए हुए गाने आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। उनके जैसा गायक ना तो पहले कभी इंडस्ट्री में रहा और ना ही कभी आएगा। मोहम्मद रफी जितने अच्छे सिंगर थे उतने ही वो बेहतरीन इंसान भी थे। इस दुनिया को अलविदा कहने से एक दिन पहले उन्होंने अपना आखिरी गाना रिकॉर्ड किया था। दरअसल साल 1980 में रफी साहब फिल्म प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश के आने वाले फिल्म के लिए गाने गा रहे थे। 30 जुलाई 1980 को रफी साहब ने उस फिल्म के लिए एक गाना गाया और आधा ही छोड़कर जाने लगे, लेकिन अचानक उन्हें क्या हुआ कि अपनी गाड़ी से उतरकर वो फिर जे ओम प्रकाश के पास पहुंचे और बोले कि आज का काम कल पर क्यों छोड़ना, और गाना पूरा किया। उस गाने के बोल थे, जिस रात के ख्वाब आए वो रात आई। गाना रिकॉर्ड करके रफी साहब देर रात अपने घर पहुंचे और वो रात मोहम्मद रफी की आखिरी रात थी। किसी को क्या मालूम था कि उस दिन के बाद कोई भी उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। उस रात मोहम्मद रफी को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनके निधन के खबर से पूरा बॉलीवुड को संगीत प्रेमियों में दुख का सैलाब सा उमड़ गया था।